यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए, फरुखाबाद पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दल बदलने वाले लोगों पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, बीते दिनों पार्टी में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नरेंद्र सिंह यादव और उनके बेटे सचिन सिंह यादव और उनकी बेटी मोनिका यादव को लेकर उन्होंने बड़ा हमला किया है। साथ ही साथ बीते दिनों सपा से भाजपा में शामिल हुए महेंद्र कटियार को भी लेकर इशारों में उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला किया है। उन्होंने कहा है, सियासत में ऐसे कई लोग देखे हैं जो दल बदलते हैं समय और मौके की नजाकत को देखकर। आइए आगे अब आपको सुनाते हैं कि किस तरह से एक चुनावी जनसभा के दौरान पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने दल बदलने वालों के ऊपर जमकर हमला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फरुखाबाद। कहीं और से इलेक्शन चुनाव लड़ लो। अरे इतने लोग देखे हैं हिंदुस्तान की सियासत में, जो पार्टियां बदलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते हैं, जो चुनाव क्षेत्र बदलते हैं। अगर मैं उन जैसा हो गया तो फिर मैं कैसा हो गया? मैंने एक लकीर खींच कर ये कहा है, जीतूंगा या हारूंगा रहूंगा यही रहूंगा, इसलिए कि मेरा रिश्ता जीत और हार का नहीं है, दिलों का रिश्ता है। दिलों के रिश्तों को तोड़कर मैं यहाँ से कहीं जाऊं तो और दिलों से रिश्ता कैसे बनाऊंगा या झूठा कहलाऊंगा कि कभी यहाँ पर रिश्ता बना लेते हैं, कभी वहाँ पर रिश्ता बना लेते हैं। जो लोग रिश्ते बनाते बदलते रहते हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। जो पुख्ता रहते हैं, एक जगह रहते हैं, अभी आपके आम के बाग हैं, आपके आम के बागात हैं, अगर एक साल में अल्फांसो आम हो, एक साल में लगड़ा हो, एक साल में दशहरी हो, तो कौन मानेगा कि ये सचमुच आम का बाग है, कि ये झूठे सच्चे आम की पैदावार यहाँ सामने रख देते हैं। आम हो तो वो आम हो जिसे आँख बंद कर आप ये कह सकें कि मेरे बाग का आम इतना मीठा है कि उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। इस आम को मैंने अपने हाथ से हर जगह के वहाँ पर स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो स्टेट लेवल पर है या जो राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे हैं वो भी आते हैं, उसका भी असर पड़ता है। लेकिन खास तौर पर जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं, जिससे आज हम यहाँ पर कायमगंज की बात करें तो कायमगंज में जिस कारण से भी यहाँ का स्लॉटर हाउस बंद पड़ा है, तो वो स्लॉटर हाउस तो खुलना चाहिए। बहुत बहुत बार सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर निर्भर हैं, स्लॉटर हाउस पर निर्भर हैं। क्यों किसी को मजबूर किया जाए कि वो अवैध कार्य करें? इसलिए जहाँ जहाँ सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए और खुली नज़र से, खुले दिल से वो सुविधाएं देनी चाहिए।